तो गाइस अभी तक कुछ इस टाइप के फेस स्मूथ फोटो एडिट करना गाइस, तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस चलिए गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस ओरिजिनल पिक को हम लोग शेयर कर लेंगे गाइस कुछ इस टाइप के। गाइस सबसे पहले आप लोग ओरिजिनल पिक को शेयर कर लीजिएगा ऑटो डेस्क स्केच बुक के अंदर गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग शेयर कर लीजिए गाइस। तो गाइस ऑटो डेस्क स्केच बुक में आ जाने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने फोटो को रोटेट कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग इसको आप लोग रख लीजिएगा डार्केन। डार्केन रखने के बाद सिंपल से आप लोग कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड आप लोग ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लीजिएगा इस कुछ इस टाइप से। तो गाइस ग्रीन कलर को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आप लोग ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड मीडियम ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड आप लोग ब्रश के साइज अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा एंड कुछ इस टाइप से आप लोग अपने शर्ट या टी शर्ट के ऊपर आप लोग चढ़ा लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से चला ले रहे हैं, आप लोग भी कुछ इस टाइप से चला लीजिएगा। तो बस आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम लोग चला ले रहे हैं। तो बस सिंपल से इतना हो जाने के बाद हम लोग फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड इसको हम लोग सॉफ्ट लाइट क्लिक कर देंगे। तो बस कुछ इस टाइप से सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करने के बाद हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर देंगे मर्ज। तो बस मर्ज हो जाने के बाद सिंपल से हम लोग फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड बस कुछ इस टाइप से आप लोग इस मर्ज वाले ब्रश को आप लोग कुछ इस टाइप से सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड गाइस आप लोग साइज अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग ना अपने फेस के ऊपर राउंड राउंड से आप लोग फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम लोग फेस को जो है वो स्मूथ कर ले रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं एंड कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा। अब ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे स्मूथ फेस को अपने राउंड राउंड चलाकर आप लोग ब्रश को राउंड राउंड चलाइएगा ताकि आप लोग फेस स्मूथ रहेगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग फेस स्मूथ कर लेने का सिंपल डिफिक्स हम लोग लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड कुछ इस टाइप से सॉफ्ट लाइट हम लोग रख लेंगे एंड कैसे हम लोग इस बार हम लोग व्हाइट कलर को सेलेक्ट करके फिर से हम लोग मीडियम ब्रश को सेलेक्ट करके कुछ इस टाइप के साइज को आप लोग रख लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग ना अपने फेस के ऊपर अप्लाई इस वाले इफेक्ट को कर लीजिएगा। गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से। तो गाइस हम लोग भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर ले रहे हैं एंड कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। तो सिंपल से इतना हो जाएगा, सिंपल से आप लोग ओपेसिटी को अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। तो देख सकते हैं हम लोग ओपेसिटी को अपने फोटो के हिसाब से रख रहे हैं एंड आप लोग भी रख के इसको मर्ज फिर से हम लोग मर्ज कर दीजिएगा। तो फिर से हम लोग लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड हम लोग रख लेंगे इसको फिर से हम लोग डार्केन। तो गाइस डार्केन रखने के बाद सिंपल से हम लोग कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड रेड को सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर से हम लोग मीडियम ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस मीडियम ब्रश को सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग थोड़ा सा साइज को छोटा कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से एंड गाइस आप लोग ना अपने लिप्स के ऊपर चला लीजिएगा। तो गाइस साइज को थोड़ा सा छोटा करके एंड कुछ इस टाइप से आप लोग ना अपने जो लिप्स होगा उस पर आप लोग चला लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम लोग चला ले रहे हैं एंड कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने लिप्स के ऊपर चला लीजिएगा। तो गाइस सिंपल से इतना हो जाने के बाद ना हम लोग लेयर वाले ऑप्शन फिर से क्लिक करके एंड ओपेसिटी को आप लोग अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग भी ओपेसिटी को इतना सा रख ले रहे हैं एंड गाइस हम लोग यहाँ से हम लोग आ जाएंगे इसको भी हम लोग कर देंगे गाइस कुछ इस टाइप से ना। फिर से हम लोग आ जाएंगे इस वाले ब्रश को हम लोग हेयर ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे गाइस कुछ इस टाइप से एंड गाइस साइज अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से साइज को रख लेने के बाद ना आप लोग अपने हेयर को अच्छे तरीके से एडिट कर लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने हेयर को अच्छे तरीके से एडिट कर लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग ना अपने हेयर को अच्छे तरीके से एडिट कर लीजिएगा, साइज को थोड़ा सा आप लोग छोटा कर लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अपने हेयर को एडिट अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो देख सकते हो गाइस हम लोग भी हेयर को एडिट अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग भी हेयर को अच्छे तरीके से एडिट कर लीजिएगा। तो गाइस इतना हो गया, सिंपल से हम लोग फोटो को शेयर कर लेंगे एंड अदर पर क्लिक करके
फोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में सिंपल क्या करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मिक्स पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस आप लोग ग्रीन को कुछ इस टाइप के सेचुरेशन को कुछ इस टाइप से आप लोग रख लीजिएगा। एंड गाइस इस वाले ऑरेंज कलर को कुछ इस टाइप के सेचुरेशन को माइनस एंड लुमिनेंस को प्लस कर दीजिएगा गाइस। एंड गाइस आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन को कुछ इस टाइप से आप लोग सेचुरेशन को प्लस कर दीजिएगा। एंड गाइस इस वाले कलर को ग्रीन कलर को ब्लू कलर को आप लोग सेचुरेशन को माइनस 100 कर दीजिएगा कुछ इस टाइप से। एंड गाइस येलो कलर को ले लीजिएगा एंड सेचुरेशन को 100 कर दीजिएगा, सेचुरेशन को आप लोग 100 कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। तो गाइस कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सिंपल से हम लोग डन पे क्लिक करके एंड गाइस ऊपर के वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा हम क्लैरिटी को ले लेंगे एंड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गाइस काम कर देंगे। एंड गाइस कुछ इस टाइप से आ जाएगा जूमेट वाले ऑप्शन पे नाम को थोड़ा सा इस टाइप पे माइनस कर दीजिएगा। एंड गाइस डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आके एंड कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फोटो में थोड़ा सा डिटेल्स ले लीजिएगा। एंड गाइस कुछ इस टाइप से डिटेल्स कलर नंबर जीरो सेटिंग को लेके एंड कुछ इस टाइप से स्मूथनेस को 100 कर दीजिएगा एंड डिटेल्स को 100 करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।